नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। सुबह से शाम ऑफिस के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर कामकाजी महिलाएं खुद की जरूरतों को इग्नोर कर देती हैं। सुबह से शाम काम और फिर घर पर आकर दूसरे कामों के बीच अपनी ग्रूमिंग और ब्यूटी को एक साइड रख लेती हैं। आज हम वर्किंग वुमेन के लिए खास कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिनकी वजह से न सिर्फ आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगी बल्कि आप पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर वॉश के बाद बालों को सूखने में समय लगता है, तो इन्हें सुखाने के लिए किसी ब्लो ड्राई का नहीं बल्कि कॉटन टी शर्ट का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि कॉटन टी शर्ट तौलिए की तुलना में बालों को जल्दी सुखाती है। अगर आपको बहुत पसीना आता है और आपको इससे बचने के लिए कई बार परफ्यूम स्प्रे करना पड़ता है, इस समस्या से निजात पाने के लिए सुबह तैयार होते समय आर्मपिट पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क लें। ऐसा करने से पूरा दिन आप पसीने की दुर्गंध से दूर रहेंगे। धूप में रहने की वजह से अगर आपकी त्वचा पर भी लाल निशान या मुहासे हो जाते हैं तो त्वचा पर बर्फ रगड़ें। ऐसा करने से तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा आइस क्यूब त्वचा में कसावट लाने का भी काम करता है। फ्रेश और साफ सुथरा मुंह दिखाने के लिए ऑफिस में एक से दो बार मुंह जरूर धोएं। इससे चेहरे पर आने वाला ऑयल हटेगा और चेहरा फ्रेश नजर आएगा। लिपस्टिक को लंबा टिकाए रखने के लिए दो कोट लिपस्टिक का लगाएं। टिश्यू पेपर को होठों के बीच कुछ देर तक दबा कर रखें। ऐसा करने से लिप्स पर मौजूद अतिरिक्त तेल निकल जाएगा। उसके बाद होठों पर लिपस्टिक लगाएं। ऐसा करने से आपकी लिपस्टिक देर तक टिकेगी। ऑफिस में देर तक कंप्यूटर पर काम करने की वजह से या फिर देर रात तक जागने की वजह से आपकी आंखें थकी हुई लग रही हैं, तो आंखों के निचले हिस्से पर वाइट काजल लगाएं। इसके बाद ऊपरी पलकों पर ब्राउन काजल या आईलाइनर लगाएं। इससे आपकी आंखें फ्रेश लगेंगे। ऑफिस में टफ शेड्यूल होने की वजह से आपके पास हाथ पांव की देखभाल के लिए समय नहीं बचता, तो आप रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों में पेट्रोलियम जेली लगाएं। इससे आपके पैरों और हाथों की नमी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से कुछ आसान से टिप्स फॉलो करके आप ऑफिस और घर के टाइट शेड्यूल के बीच अपने आप को खूबसूरत और फ्रेश रख सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।